अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू खाना सिखाना। आज खाना सिखाना में मैं बनाने जा रही हूँ चिकन चंगेजी। ये चिकन चंगेजी देख रहे हैं व्यूवर्स, कितना खूबसूरत लग रहा है। ये खाने में भी इसी तरह टेस्टी, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैं ली हूँ सबसे पहले चिकन। चिकन मैं ली हूँ 750 ग्राम। इसको अच्छी तरह से मैं वॉश कर ली हूँ। वॉश करके इसके पानी को भी अच्छी तरह से ड्राई कर लेना। फिर इसमें मैं 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, और ये रहा हमारा नमक, इसे डाल करके, और ये रहा हमारा लाल मिर्च पाउडर, ये सब मैं 1/2 टीस्पून ली हूँ, और ये धनिया का पाउडर जो है इसमें से 1 टीस्पून मैं ली हूँ, और ये रहा हमारा 4 चम्मच मैं दही ली हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, दही 4 चम्मच लेने के बाद मैंने 4 टीस्पून ली हूँ। लेने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। क्या होगा, इसे अच्छी तरह से मिक्स कर, अगर आपके पास वक्त है तो आप इसे 4 से 5 घंटा अगर इसी तरह तमाम मसालों को लगा करके इसे मैरिनेट करके आप 5 से 6 घंटा अगर रख देंगे तो और भी अच्छा टेस्टी होता है। और ये इसमें मैं डाली हूँ कश्मीरी लाल मिर्च। इससे क्या होगा व्यूअर्स, इसका लुक, इसका खूबसूरती में 4 चांद लग जाता है। इसे देखने में मैंने जो ग्रेवी जो इसका होता है बहुत टेस्टी होता है, चिकन बहुत टेस्टी लगेगा। और इसमें मैं डाली हूँ 750 ग्राम में मैं 1/2 नींबू का यूज़ की हूँ। अगर आप लोग 1 केजी बनाएंगे तो आप 1 नींबू भी यूज़ कर सकते हैं। और इसे अच्छी तरह से मिक्स करके हम लोग को 5 से 6 घंटा इसे इसी तरह छोड़ देना। और ये देखिए 5 से 6 घंटा हो चुका है। मैं रात में बना रही हूँ, मैं डिनर में बना रही हूँ, इसलिए मैं दिन में इसे मैरिनेट करके मैं फ्रिज में रख दी थी। और ये रहा हमारे 2 बड़े साइज का प्याज। इसे प्याज को मैं स्लाइस में इसी तरह मैं काट ली हूँ, ना ज़्यादा मोटा है ना पतला, मीडियम साइज का मैं स्लाइस की हूँ। और इसे प्याज को भी ज़्यादा फ्राई नहीं करना, हल्का सा सोते और हल्का सा गोल्डन अगर हो गया तब हमारा प्याज होगा। ये रहा हमारा गरम मसाला, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी, लौंग, जैत्री और सहजीरा, फूल चक्री, इसे डाल दिए व्यूवर्स। मैं तो कहती हूँ इस तरह गोटे मसाले का यूज़ करिएगा तो बहुत टेस्ट अच्छा होता है, और पाउडर मसाला से भी ज़्यादा टेस्टी। ये एकदम खालिस, मतलब ये एकदम प्योर गरम मसाला है। और ये इसे भी प्याज के साथ मैं फ्राई कर दी हूँ। इससे क्या होगा, इसका टेस्ट में और भी इजाफा हो जाता है। इस तरह अगर कच्चा डालेंगे तो उसका टेस्ट, और ये इस तरह तेल में अगर फ्राई कर लेंगे तो इसका टेस्ट में बहुत फ़र्क हो जाता है। बहुत सुंदर सुंदर, बहुत अच्छा खुशबू आता है इससे। और ये देखिए हमारा प्याज, मैं हल्का, देखिए व्यूअर्स मैं कह रही थी ना, हल्का गोल्डन, हल्का सा गोल्डन कुछ कुछ प्याज में हो गया। बस मैं प्याज को निकाल ली हूँ, इस तरह तेल को छान दी, छान के निकाल ली। अब फिर इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ ये चिकन। चिकन को मैंने डालेंगे, और व्यूअर्स इसे ढक ढक करके हम लोग को इसे फ्राई करना है। ढक देने से क्या होगा, हमारा जो दही है उसका पानी और मसाला का पानी इसे छोड़ेगा, इससे क्या होगा हमारा चिकन भी गल जाएगा। इसे ढक ढक, और 75% तो ये इसी तरह इसी प्रोसेस से मैंने इसे फ्राई करते करते ये हमारा चिकन हो जाता है, गल जाता है। ये देखिए व्यूवर्स, ये देखिए आप लोग को देख के समझ में आ रहा है किस तरह मसाला और ये चिकन कितना अच्छे तरह से, मतलब ये फ्राई हो चुका है। ये देखिए चिकन को बहुत अच्छी तरह से फ्राई करना है, मैंने जितना मसाला है ना ये कुरकुरापन हो जाएगा मसाला में, बहुत अच्छा मतलब मसाला हो जाता है। और इसमें मैं डाल रही हूँ ये तकरीबन 7 से 8 चम्मच, ये रहा हमारा रिफाइंड ऑयल मैं इसमें डाली हूँ। और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच अदरक और 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट। इसे डाल के व्यूअर्स इसको हम लोगों को अच्छी तरह से भुनना है। जब ये देखिए खूब अच्छी तरह से इसे भुनना, अदरक लहसुन जब भुना जाएगा तब अगला प्रोसेस करेंगे। ये देखिए व्यूअर्स हमारा अदरक लहसुन भुना चुका है। इसमें मैं डाल रही हूँ मिर्च पाउडर, और ये रहा हमारा धनिया का पाउडर, और ये रहा हमारा जीरा का पाउडर। ये देखिए जीरा का पाउडर मैं डाल दी हूँ, डाल के इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। और ये रहा नमक। चिकन में भी हम लोग जब गोश्त में मसाला को मैरिनेट करेंगे उस टाइम में भी हम लोग को आपको नमक को थोड़ा डालना है। और डाल के ये देखिए तमाम मसालों को इस तरह धीमी धीमी आंच पर भूनेंगे व्यूअर्स, क्योंकि मैं पानी का यूज़ नहीं कर रही हूँ, सब सूखा मसाला है, धीमी आंच रखेंगे तभी मसाला अच्छा ये मैंने फ्राई होगा, और वरना
मसाला हमारा जल जाएगा। और ये रहा हमारा दो मीडियम साइज़ का, मैं ली हूँ इसमें टमाटर, इसका मैं प्यूरी बना ली हूँ। ये देखिए वीवर्स, जब टमाटर हमारा अच्छी तरह से भुना जाएगा तब फिर अगला प्रोसेस करना। ये देखिए वीवर्स, अगर टमाटर कच्चा हो और ये सब प्रोसेस कर देंगे तो ये हमारा चिकन का पूरा टेस्ट ही बिगड़ जाएगा। और ये रहा हमारा गर्म मसाला और प्याज का पेस्ट मैं बना ली हूँ, और इसको भी डाल करके जब हमारा ये टमाटर का प्यूरी डाल के जो मैं भुनी हूँ, जब भुना चुका है, मैंने चारों तरफ से तेल छोड़ चुका है, तब फिर इसमें मैं डाली हूँ। और ये हमारा 7 से 8 है हमारा ये रहा काजू, और इस काजू का मैं पेस्ट बना लूँगी। ये देखिए दूध के साथ ये हमारा काजू, और इसमें मैं डाल दूँगी ये रहा दूध। पानी का यूज़ मत कीजिएगा व्यूवर्स, दूध का ही यूज़ कीजिएगा। आप मेरे एक एक स्टेप को अगर फॉलो करेंगे तो आपका भी इसी तरह टेस्टी सा चिकन चंगेजी हो जाएगा तैयार। और ये देखिए व्यूवर्स, मसाला में से किस तरह तेल, देखिए किनारा किनारा, देखिए आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, तेल छोड़ने लगा और मसाला हमारा दानेदार हो गया है। इसमें मैं डाल रही हूँ ये जो पेस्ट मैं काजू का बना के रखी थी, इस पेस्ट को मैं 2 से 3 मिनट इस तरह भुनेंगे। इस वक्त आँच मैंने मीडियम में होना चाहिए। ये देखिए मैं भून रही हूँ, इसे चलाते हुए भूनना है, इसे छोड़ देंगे तो क्या होगा, मसाला नीचे तले में लग जाएगा। ये देखिए व्यूवर्स, हमारा चिकन देखिए जिस तरह हम लोग फिश को फ्राई करके डालते हैं, उसी तरह ये चिकन ये इस चिकन को भी इसी तरह मैं फ्राई कर ली हूँ। ये मसाला में लिपटा हुआ चिकन फ्राई, वाओ क्या टेस्टी लगता है, इसे खा करके तो देखिएगा, बना करके चिकन चंगेजी बहुत ही टेस्टी मैंने रेसिपी है। इसे आप बना करके मेहमानों को अगर खिलाएंगे तो आपके मेहमान क्या होगा, आपके गेस्ट जो आपके घर आएंगे वो आपका तारीफ़ किए बिना नहीं जाएंगे वो लोग। इसे आप लोग पूड़ी पराठा कुलचा वगैरह के साथ खाइएगा तो इसका टेस्ट में और भी 4 चांद लग जाएगा। इसे चावल से अच्छा हम मैं तो कहती हूँ कुलचा पूड़ी वगैरह के साथ खाएंगे तो बहुत टेस्टी लगेगा, चावल में भी अच्छा लगता है, ऐसा कोई बात नहीं है। अगर बिरयानी वगैरह बनाए तो एज ए स्टार्टर भी इसको आप लोग खा सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और इसमें मैं डाली हूँ, मैं 4 चम्मच मैं उधर डाल दी थी आपको दही, और इधर फिर 3 चम्मच के करीब ये हमारा दही था। इसको मैं मिक्सर में अच्छी तरह से मैंने इसको दही को अच्छी तरह से फेंट दी हूँ। फेंटने के बाद इसमें मैं डाल दी हूँ। अब दही डालने के बाद 3 से 4 मिनट इसे ढक के पकाना है। ये देखिए 3 से 4 मिनट हो गया है, तब इसमें मैं क्या कर रही हूँ, हरी मिर्च को मैं चीरा लगा दी हूँ। मैं इसे कट करके नहीं डाली, इसे ज़्यादा चीरा लगा कर डालने से क्या होगा, मिर्च का जो खुशबू और इसका जो तीखापन, इससे क्या होगा, मसाला का टेस्ट को बैलेंस कर देगा। ये 4 मिर्च ज़रूर डालिएगा, इतना टेस्टी मैंने इससे जब आप खोलिएगा ना तो मिर्च का जो खुशबू होता है हरा मिर्च का तो कहना नहीं। और ये रहा कस्तूरी मेथी, मैंने इसे थोड़ा सा रोस्ट कर ली हूँ और इसे हाथ से इस तरह क्रश करके मैं इसमें डाल दी हूँ। ये डाल के व्यूवर्स इसका आप लोग बना के देखिएगा मेरे प्रोसेस से, उसके बाद कहिएगा कि चिकन चंगेजी कितना अच्छा रेसिपी है। और इसे ढक करके अब 2-3 मिनट और पकाएंगे, उसके बाद हमारा चिकन हो जाएगा तैयार। ये देखिए 2 से 3 मिनट हो गया, मैं फ्लेम को ऑफ कर दी हूँ। ऑफ़ करने के बाद ये देखिए व्यूवर्स, देखिए है ना व्यूवर्स, दानेदार, ये किस तरह कितना टेस्टी, इसको देख के तो आप लोग का मुंह में पानी आ गया। आप लोग, मुझे उम्मीद है कि आप इस रेसिपी को देख के ज़रूर बनाएंगे। ये इतना टेस्टी रेसिपी, देखने में जितना खूबसूरत, खाने में भी उतना टेस्टी। ये मेरा भी बहुत फेवरेट है, ये मुझे भी बहुत पसंद है, इसे वीक में मैं 1-2 बार ज़रूर बनाती हूँ। इसे मेरे घर के लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ये रहा हमारा चिकन चंगेजी व्यूवर्स, कैसा लगा आप मेरे कमेंट बॉक्स को मुझे कमेंट कीजिएगा, क्या कमी क्या बेसी